क्वेश्चन उठ रहा है मन में, वो सब चीज में डिटेल्स बताऊंगी। बाकी क्या हुआ ना, मेरा माइक घर पे छूट गया, ऐसे थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा कि मतलब बिहार के फ्लाईओवर के नीचे ना ज्यादा कूड़ा कचरा यही सब भी पेंटिंग्स वगैरह जो भी हो रही है वॉलेट का एक पेंटिंग, ठीक है इस साइड, क्योंकि लगेगी नहीं लगेगी, किन लोगों के लिए खुला है, 10 लोगों ने मुझे क्या बताया, देखिए बाय में भी 25 का डेट दिया गया, 25 को उद्घाटन हो जाए वॉल पे, यस वॉल पे जो आपको मिल जाएगा वो। यहाँ की नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जरूर दूंगी, फ्लाईओवर के नीचे आपको इस तरह का। हाँ जी हेलो नमस्ते, गेम शो कर सकता, कैसे आप लोग, मैं पाकी कौशिक फिर से अभी एक न्यू वीडियो लेके आप लोग के सामने। पटना काफी विकसित होते जा रहा है, काफी परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, तो परिवर्तन में क्या क्या आ रहा है, लाइक आपको कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि जीपीओ कोलंबर के पास ऑटो स्टैंड बन रहा है, अब आपको दिखा देती हूँ, जस्ट मेरे पीछे जो चीज है ये एक प्ले ग्राउंड बन रहा है, वो भी कहाँ मैं बताती हूँ कहाँ। ये अभी लोकेशन का अगर सबसे पहले बात किया जाए ना, तो मैं अभी आर ब्लॉक में हूँ और आर ब्लॉक के फ्लाईओवर के नीचे आप सोच सकते हैं, अब फ्लाईओवर को भी काफी विकसित किया जा रहा है, तो फ्लाईओवर के नीचे देख सकते हैं, फ्लाईओवर के नीचे आपको इस तरह का प्ले ग्राउंड मिल जाएगा, और इस प्ले ग्राउंड में लाइक ये है ना कि एक हमारा बैडमिंटन कोर्ट है और दूसरे साइड हमारा क्रिकेट कोच मिल जाएगा, दूसरे साइड हमारा ना क्रिकेट फील्ड मिल जाएगा, फील्ड बड़ा सा नहीं है छोटा सा ही है, तो नगर निगम द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है चल रहा है, तो और भी क्या क्या चीजें, चलिए आगे बताते हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए दिस साइड आपको ना क्रिकेट का एक बहुत अच्छा बन जाएगा प्ले ग्राउंड, साइड आप क्रिकेट आके खेल सकते हैं, और इस साइड काफी अच्छे से बन चुका है हमारा बैडमिंटन का, उस साइड आप वहाँ पे देख सकते हैं अभी पेंटिंग्स वगैरह जो भी हो रही है, वॉल पेंटिंग चल रही है, सारे वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, इस साइड आपको दिख जाएगा पेंटिंग हमारे बैडमिंटन का। तो दिस साइड देखिए ये क्या है ना, इस साइड हमारा सिर्फ बैडमिंटन प्ले ग्राउंड होगा, इस साइड आपको जितनी पेंटिंग मिलेंगी वो बैडमिंटन से रिलेटेड ही मिलेंगी, और इस साइड आपका क्रिकेट का हो जाएगा, तो उस दोनों वॉल पे यस वॉल पे जो आपको मिल जाएगा वो क्रिकेट से रिलेटेड ही पिक्चर और पेंटिंग मिल जाएगी। हाँ जी, तो क्या हुआ ना, मेरा माइक घर पे छूट गया, ऐसे थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन देना अपडेट करना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। अभी मैं जिस साइड आई हूँ यहाँ पे क्रिकेट का प्ले ग्राउंड बन रहा है, उस प्ले ग्राउंड में आपको कब से एंट्री मिलेगी, कब से क्या होने वाला है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बस जो वर्कर्स लोगों ने मुझे बताया वो आपको मैं बता देती हूँ। पीछे साइड देखिए बन रहा है हमारा क्रिकेट का एक पेंटिंग, ठीक है इस साइड, क्योंकि क्रिकेट ही खेला जाएगा तो क्रिकेट का पेंटिंग बन रहा है, और हाँ वर्कर्स लोगों ने मुझे क्या बताया, देखिए वर्कर्स लोग हैं, उन लोगों का काम है सिर्फ वर्क करना, यहाँ को खूबसूरत बनाना, अपना सारा काम वगैरह जो भी पेंटिंग वगैरह होता है वो चीज करना, तो उन लोग ने जितना इन्फॉर्मेशन दिया, उनको जितना आइडिया था उस हिसाब से, लाइक हो सकता है 16 सितंबर का डेट था यहाँ का उद्घाटन का, पर 16 का हुआ नहीं क्योंकि काम कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत काम बाकी है, तो हो सकता है मे भी 25 का डेट दिया गया, 25 को उद्घाटन हो जाए, और 25 का अगर उद्घाटन हो जाएगा तो मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगी, इसलिए मैं ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको, लाइक बस दिखा दूंगी कैसा कैसा तैयारी चल रहा है हमारा यहाँ पे, क्या क्या लोग वर्क में मतलब काम करे, वर्कर लोग क्या क्या काम करे, किस टाइप का यहाँ का होने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस तो ज्यादातर क्या होता है ना, हम लोग फ्लाईओवर के नीचे मतलब पटना के मतलब बिहार के फ्लाईओवर के नीचे ना ज्यादातर कूड़ा कचरा यही सब चीज देखते हैं, बट अब हमारा पटना और विकसित हो रहा है, मैंने आपको बोला ही हमारा पटना ऐसे ही विकसित होता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत बनता जाएगा, तो उसमें छोटे छोटे मतलब जो प्रोजेक्ट होता है ना जुड़ता जा रहा है, तो हमारा एक और प्रोजेक्ट जुड़ गया है, तो इस प्रोजेक्ट को और खूबसूरत बनाने हम ही लोग कर सकते हैं, अच्छा रखना हम लोग का फर्ज बनता है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ की नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगी कि कब से उद्घाटन होने वाला है, कब इसे एंट्री होगा, एंट्री का क्या टाइमिंग होगा, फी लगेगी नहीं लगेगी, किन लोगों के लिए खुला है, स्टूडेंट लोगों के लिए या लोकल लोगों के लिए, किस किस टाइप का जो भी मतलब हम लोग का क्वेश्चन उठ रहा है मन में, वो सब चीज़ में डिटेल्स बताऊंगी। बाकी मैं लास्ट में इतना कहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ऐसे प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा, बाकी देखने के लिए थैंक यू सो मच।